लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस पार्टी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को अपना प्रत्याशी नामित किया, जिसके बाद से ही कांग्रेसियों में खासा उत्साह देखने को मिला। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पौड़ी विनोद नेगी ने कहा कि जिस तरह से हाईकमान ने गढ़वाल सीट से सक्षम प्रत्याशी गणेश गोदियाल को लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी नामित किया है, इससे कांग्रेस में खासा उत्साह है। उन्होंने बताया कि निश्चित तौर से गणेश गोदियाल को टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ता नई ऊर्जा के साथ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को गढ़वाल सीट से जीत दिलाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। पौड़ी से मुकेश। सबसे पहले अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से उन्होंने जिस तरह का फैसला लिया है वो सराहनीय है, और प्रदेश कार्यकारिणी को भी मैं बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूँ। इसके बाद आपने देखा इस तरह से हर आदमी की उम्मीद, हर कांग्रेस कार्यकर्ता की उम्मीद है कि एक सच्चे ईमानदार आदमी को यहाँ पर हमें जो है सांसद बनाना है। तो उस क्रम में जिस तरह से गणेश गोदियाल जी को यहाँ पर पार्टी के द्वारा लोकसभा गढ़वाल की दावेदारी दी गई है, तो एक मैं कहता हूँ सराहनीय कदम ये हमारी पार्टी का है। और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जो जोश है वो देखने लायक है, क्योंकि कार्यकर्ता काफ़ी समय से बहुत हताश था, निराश था, और कार्यकर्ता के मन में ये था कि सबसे पहले हमारे पास कैंडिडेट फेस होना चाहिए, और कैंडिडेट का जो चयन हुआ है वो निश्चित रूप से जो है सराहनीय है, और निश्चित रूप से 2024 का चुनाव हम लोग जो है बहुत अच्छे मार्जिन से इसे निकालने की पूरी प्रयास